मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? ठीक हो ना? आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ समूचा पाठ लेके। अभी इसका ये आखिरी भाग है जिसमें आपको दो स्तंभों त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय अध्ययन करना है और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। आइए हम देखते हैं ब्रेकुल की तरफ प्रमेय का नाम आवश्यक करना है। प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, और कथन है प्रमेय का कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये कथन हमने पढ़ लिया। अब इसी के अनुसार हमको दो त्रिभुज बनाना है जो एक दूसरे दिखते होंगे। तो हमने बनाया कि त्रिभुज ए बी सी, और इसमें दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी में ये जो भुजा ए डी लंब किस पे? भुजा बी सी पर। और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी एस लंब क्यू आर पर है। ये हमने कथन के अनुसार आकृति बना दी। अब दस देखते हैं तो बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज, यानी हमारे दो त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। तो समरूप का संकेत ये है, अपना ऐसा उल्टा या सोया हुआ ऐसा उल्टा जाओ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और क्या दिया था? अपना ए डी लंब किस पे? भुजा बी सी पर। ये ए डी लंब किस पे? भुजा बी सी पर। और दूसरा है पी एस लंब क्यू आर पे। तो पी एस देख रहे हो लंब किस पे डाला गया? क्यू आर पे। ये हो गया आपका तर्क। और सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर का ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ लिखा गया है साध्य में कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर संगत भुजा का वर्ग है तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। ये हमारा साध्य हमको करना है। कैसे करना है तो देखते हैं हम लोग। तो पहले हमको बोला गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या है? बी सी, और ऊंचाई उसकी होगी ए डी। और उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर और ऊंचाई पी आर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग ये सूत्र लगाएंगे जिसके माध्यम से दोनों के अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब क्षेत्रफल अगर होगा आधार ऊंचाई, तो हो जाए पहले त्रिभुज का आधार चल जाएगा बी सी और ऊंचाई हो जाएगी ए डी। और दूसरे त्रिभुज का आधार हुआ क्यू आर और ऊंचाई हो जाएगी पी आर। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसमें का इतने दो इसका काम कर, दोनों में देखो तो दो यहाँ भी आता है पहले त्रिभुज में भी दूसरे त्रिभुज में सूत्र होता है इतने दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई, यानी एक बटे दो इतने दो दोनों कट गया इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। अब ये दोनों भुजाओं का अनुपात गुणनफल क्या है इसको अलग कर दीजिए, यानी बी सी बटे क्यू आर कर दीजिए और दूसरा हो जाएगा ए डी बटे पी आर। इसको दे सकते आप कथन नंबर ए। किसकी वजह से कहा लिख सकते हो? त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से ये हुआ। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसी पहले त्रिभुज में एबीसी में हम त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ए बी बी, और दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में ले रहे त्रिभुज पी एस क्यू या पी क्यू एस। ये दोनों समरूप करना है। देखिए तो त्रिभुज ए बी बी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में। अब देखिए दोनों त्रिभुज में एक सांकेतिक भाषा प्रयोग किया गया, यानी कोण बी को दो लाइन से दर्शाया गया है, यहाँ पे कोण क्यू को भी दो लाइन से दर्शाया गया, यानी ये दोनों कोण कैसे हैं? दोनों कोण सर्वांशों में, यानी यहाँ लिख सकते हम लोग कोण बी सर्वांशम कोण क्यू, ये हमको दिया गया है, हमने दिया इसको दल। अब इसमें देखिए एक और कोण देखिए ए डी बी, यानी लंब डाल गया, यानी ये भी कोण कितने
नव्यंश का यहाँ भी कोण पी एस क्यू, ये भी लंब डाला गया है, दोनों हिस्सा नव्यंश का होगा, यानी दोनों कोण का माप कितना गया नव्यंश का, यानी दोनों कोण भी होंगे सर्वांशम। यहाँ दिखा देंगे कोण ए डी बी सर्वांशम कोण पी एस क्यू, क्यू है तो प्रत्येक कोण समकोण, इसका कारण लिख देंगे प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश है। अब किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करने के अंतर पर हम दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो शर्त यहाँ पे मौजूद है आपके सामने, ये कोण समांतर है ये कोण है, समरूपता की कोको कसौटी के अनुसार त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस, इसके आधार पे तो समरूपता की कोको कसौटी के आधार पर समरूपता की को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और इसी में इसकी संगत भुजा दिखाएंगे, यानी ले लेंगे हम लोग देखिए यहाँ पर शीर्ष बिंदु ए और डी ये लेते हैं, यहाँ पर ए डी तो यहाँ पे क्या लेगा पी एस, यानी बटे में पी एस बराबर क्या लेंगे ए बी तो यहाँ क्या लेगा भुजा अनुपात पी क्यू, और ये तो कारण दे सकते इसको समरूप भुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है, इसको दे दिया हमने कथन नंबर दो। अभी आपका कथन एक और दो बन के तैयार है, अब अगले पॉइंट जा रहे हैं, पॉइंट नंबर तीन पकड़ लीजिए यहाँ पे, ये आपका एक था हिस्सा और ये हिस्सा था दो। अब तीसरे में के लिए हमको दिया गया दर्द में देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू, आप यहाँ लिखेंगे हम लोग परंतु त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ये हमको क्या है दिया गया था तो इसको लिखेंगे दर्द। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों की संगत भुजा का अनुपात समान होगा, वो भी दिखा दीजिए, यानी ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये भी क्या है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती जी समानुपाती होती है, समानुपात में होती है। अब ये हो गया इसके अंदर कथन नंबर तीन। अब देखिए कथन एक दो तीन, अब एक को देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर बीसी बटे क्यूआर गुणे एडी बटे पीएस। अब दूसरा कथन देखेंगे तो ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू, और तीसरे में देखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अगर तीनों कथन हम प्रयोग कर देंगे तो हम लोग साझे करीब पहुंच जाएंगे, कैसे तो देखिए पॉइंट नंबर चार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या लिखा था बी सी बटे
क्यू आर गुणे ए डी बटे पी एस, ये था। अब ये ए डी बटे पी एस किसके बराबर है, अनुपात क्या है, ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू, और ये ए बी बटे पी क्यू किसके अनुपात बराबर है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, यानी ये ए बी बटे पी क्यू इसके अनुपात के बराबर, ये भुजा के इसके भी, यानी कोई भी किसी के अनुपात के बराबर हो सकता है। तो जहाँ ए डी है बटे पी एस वहाँ हम लोग बी सी बटे क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, जो कहते हो ए डी बटे पी एस का हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, और ये ऐसे चलता रहेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। और ये कैसे हुआ, यहाँ लिख दोगे कथन दो तथा तीन क्यू से ये हो गया। अब जब गुणा कर देंगे तो क्या बी सी का वर्ग बटे क्यू वन का वर्ग बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये आपका दो दो त्रिभुज समरूप थे तो उनका अनुपात क्या है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। ये हो गया आपका दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात जिस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये प्रमेय हो गया आपका। और इसी प्रमेय पर आधारित सवाल हम करेंगे, जो प्रसंग इसमें चार का पहला सवाल देखिए, लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो दो हो रहा है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, तो आप मान लेंगे कि हमने इधर मान लिया कि माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमने मान लिया, नाम तो देने के मान लिए। अब इसमें बोला कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो हम इधर मान लेंगे, जब मान ले तो माना त्रिभुज ए बी सी पहला त्रिभुज तथा त्रिभुज पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज है। अब जब अनुपात बोला गया है कि जल्दी लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर 3:5, ये हमको दिया गया है प्रश्न में। अब प्रयोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो दोनों समरूप त्रिभुज है तो दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात किसके होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। एक भुजा का अनुपात दिया गया है ए बी बटे पी क्यू बराबर 3:5, तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, कारण लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। अब ए बी बटे पी क्यू का मान दिया है 3
बटे पांच यानी तीन का वर्ग पांच का वर्ग और ये जो बनकर चलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब वर्ग निकालेंगे तो तीन का हो जाएगा नौ, पांच का हो जाएगा पच्चीस, यानी आएगा आपका दोनों चौके क्षेत्रफल अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9/25। ये होगा जवाब। आप देख सकते हैं शब्दों में जवाब को कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 9/25 या 9/25 होगा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और इसमें दूसरा प्रश्न और लिया हूं, इसी प्रश्न संख्या चार का कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए गए हैं 225 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की भुजा संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसमें भी आपको सही बोल दिया गया कि दो समरूप त्रिभुज है तो कोई नाम नहीं दिया तो आपको मानना पड़ेगा। इधर ही यहाँ पे मान लीजिए, माना त्रिभुज एबीसी नाम लेकर चल रहा हूं, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये नाम सबको बहुत पसंद है भाई, ये नाम लेकर चल रहा हूं। और इसमें फिर से मानेंगे, माना दो त्रिभुज एक छोटा और बड़ा, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, तथा त्रिभुज पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर छोटा त्रिभुज है। अब दिया है दोनों का अनुपात, तो ये हमको दे दिया, यहाँ तो लिख देंगे हम लोग एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर की संगत भुजाओं का अनुपात, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, तो पहली भुजा ले लिया हमने ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। और ये कथन किससे आया है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से आया है। परंतु हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना जी 225 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 225 और दूसरे का 81, ये भी आपको दिया गया। साथ में पहले भुजा ने छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी जाइए आपके, यानी पी क्यू की लंबाई दी गई है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों चीजें आपको प्रश्न में ही दी गई जिसे हमने यहाँ लिख दिए हैं दर। अब इसी के अनुसार प्रश्न हल करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, और ये दोनों का अनुपात दिया गया है कितना दी 225 बटे 81 और ए बी का वर्ग ऐसा ही है, छोटे त्रिभुज का भुजा लंबाई दी गई है 12 का वर्ग। अब क्या करेंगे, तब दोनों पक्षों का यानी देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, 81 का वर्गमूल होता है 9 बराबर ए बी का वर्गमूल, ए बी स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए बी 12 का 12। अब गुना कर देंगे, फिर गुना 12
15 × 12 और 9 × AB, यानी इसका इसके साथ गुणा कर दिए, तीन गुना इसका इसके साथ, जो आपको समस्या होगा इसके माध्यम से देख सकते हैं। अब ये 9 इधर AB के साथ गुणे के रूप में है, तो जैसे यहाँ 9 पक्षांतर करेंगे दाएं से बाएं तक, तो ये भाग के रूप में आया, यानी 15 × 12 / 9 AB। अब ये हो जाएगा, अब देखिए 3 के पार में 9 आता है, 3 × 9 3 × 5 = 15, यानी दोनों संख्या अंश हमारी एक ही पार कर रही है। फिर यहाँ लिखिए 3 × 3 3 × 12, यानी कितना आ गया जी जवाब, 5 × 4 = AB, यानी 5 × 20 सेंटीमीटर बराबर AB। ये AB किसका मान था, ये AB कौन सी भुजा है, तो AB देख लो आप यहाँ पे है, तो AB त्रिभुज कौन सा त्रिभुजा था, 12 त्रिभुज, यानी यहाँ उत्तर लिख सकते लास्ट में कि 12 त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब ये आपका दो प्रश्न मैं हल कर दिया हूँ, इसी के आधार पे प्रश्न संग्रह 1.4 में आपको 4-5 प्रश्न करना है, जो आपको गृह कार्य में दिया हूँ। प्रश्न संग्रह 1.4 के प्रश्न मान 2, 3, 4, 6 और 7 को हल करना है, और इसे हल करके आपको अपने नोटबुक में दिखाना है, फोटो खींच के शुक्रवार ग्रुप में आपको भेजना है, जिसके पश्चात आपको बताया जाए कि आपका किया गया सवाल बिल्कुल सही है या गलत है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद जी, नमस्कार जी।